ख़बर शामिल करते हैं लाहौर से मैं कोई प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं करूंगा तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं करूंगा कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगु में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था इस सारे फ़साद की जड़ मोहसिन नकवी है ये जुल्म वही करवा रहे हैं मैंने किसी पर कोई सियासी मुक़दमा नहीं बनाया था परवेज़ इलाही का मज़ीद कहना था कि ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे मैं पीटीआई में हूं और इसमें ही रहूंगा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा पीटीआई कारकुनों को पैगाम देता हूं पीछे नहीं हटना तगड़े हो जाएं आप हक पर हैं दूसरी जानब परवेज़ इलाही को तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमे में लाहौर की अदालत में पेश किया गया एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समात के दौरान दरखास्त गुजारने सबक़ आला पंजाब के चौदह रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्ता की सरकारी वकील ने मौकफ़ कि चौधरी परवेज इलाही से तफ्तीश करना है उन्होंने इख्तियारा का नाजायज इस्तेमाल करते हुए खजाने को नुकसान पहुंचाया चौधरी परवेज इलाही को मुबैना करप्शन केस में कल गिरफ्तार किया गया था